देखिए, अनपढ़ लोगों की जो भाषा है या उनके जो ज्ञान है उस पर जो है तर्क वितर्क करना एक बेमानी बात है। जब आप इस बात को कहते हो कि भीख है और ये है, तो इस बात का उदाहरण है कि भारत के अंदर जो अच्छे मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। अगर भारत के अंदर अच्छे मेंटल हॉस्पिटल होते तो शायद कुछ लोग ऐसे जो बयान देने से पहले अपना वहाँ पर जाकर इलाज कराते। लेकिन सबको पता है कि सरकार जो चाहती है, सरकार ये चाहती है कि इस प्रकार के बयानबाजी हो और हम लोग इनके मुद्दे पर बात करें, और हम इनके मुद्दे पर बात करके हम जो हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटक जाएं, और इन लोगों की जो लोग हैं जो इस प्रकार के देते हैं कि हमें ये है वो है और 99 साल, पहली बात तो इनकी जो बेसिक एजुकेशन है ना उसको, उसमें सुधार होना चाहिए। आप ये देखिए कि ये लोग कुछ भी बयान देकर हीरो बन जाते हैं, जबकि कानून के अंदर अगर कोई व्यक्ति, ये कोई SC ST OBC या डिप्राइव्ड क्लास का या कोई मुस्लिम व्यक्ति होता तो उसके ऊपर ये देशद्रोह का चार्ज लगाकर उसे जेल में डाल देते और जेल में वो व्यक्ति सड़ता रहता। सर आप मेंटल बता रहे हैं, पागल बता रहे हैं ना, तो पद्मश्री मिला। नहीं नहीं, मैंने ये कहा है कि भारत के अंदर अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर और मेंटल हॉस्पिटलों की कमी है, अच्छे जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं उनकी कमी है। मैं इनको पागल नहीं बता रहा हूँ, मैं तो इनका जो कुनबा है जिसके ऊपर इन्हें पद्मश्री मिलता है, जिसके ऊपर इन्हें सिक्योरिटी मिलती है, मैं उन सभी लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि इनके लिए कोई राष्ट्रीय अवार्ड देना ऐसा ही है कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो वो कहानी इनके साथ है। कंगना का कोई पहला बयान तो नहीं है, पहले उन्होंने रिजर्वेशन पे भी दिया था विवादित। देखिए, मानसिक रूप से कमजोर विक्षिप्त व्यक्ति है, इन लोगों की जो सही जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर है, मेंटल हॉस्पिटल है, वहां डाला जाना चाहिए। और जब देश की बात हो और राष्ट्र की बात हो तो देशद्रोही विरोधी बयान देने के कारण इनके ऊपर सेडिशन का मुकदमा लगना चाहिए। कि जब ये कहते हैं कि 2014 में आजादी मिली, अगर तुझे 2014 में आजादी मिली तो तुझे ये पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1951 के अंदर हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा दे दिया था, और हिंदू कोड बिल था वो वीमेंस राइट के लिए था। और तुझे अगर वहां से भी आजादी नजर नहीं आ रही, और तुझे सिर्फ आजादी इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि 2014 में वो सरकार आई है जो वंचितों के समूहों के हक मार रही है और इस संविधान का की जो भावना है उनको तार तार कर रही है, और अगर तुम इसे आजादी कहते हो तो जाके आजादी तालिबान लो, लेकिन तालिबान और इराक में जाकर आप लो। जब आप कहते हो ना कि पाकिस्तान चले जाओ, तो बेटा अगर आपको आजादी चाहिए तो तालिबान चले जाओ, आपको असली जो आजादी आपको वही मिलेगी। बीजेपी की नेत्री रुचि पाठक, उन्होंने भी कहा था कि 99 साल के लीज पर हमें आजादी मिली हुई है। देखिए, ये जो मैंने क्या कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट की जब ये बात करते हैं कि 99 साल की लीज मिली हुई है, अरे लीज तुम्हारे लिए लीज होगी, तुम लोगों के लिए लीज मिली होगी, परंतु हम तो भारत के मूल निवासी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द जो वी से शुरू होता है, हम उस वी में इंक्लूड हैं, और हमारे पास जो आज़ादी है वो 99 साल की नहीं है। हमारे पास, हम इस भारत के शासक थे, हम इस भारत के शासक हैं, और ये भारत भूमि हमारी भूमि थी, भूमि है और भूमि रहेगी। हाँ, अगर आपको डाउट है कि 99 साल की लीज है तो आप जहाँ से आए हो आप वहाँ चले जाओ, परंतु जो भारत में रहने वाला है, भारत का मूल निवासी है, वो भारत की बात करेगा, और इस प्रकार की बेतुकी बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि जब आप कहते हो कि ट्रांसफर ऑफ पावर के अंदर लीज आपको 99 साल के लिए मिली थी, तो वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट है वो जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, और उसके जो रेस्ट ऑफ प्रोविजन लागू हुए उस दिन के बाद में ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट का जो है अस्तित्व खत्म हो गया। परंतु ये लोगों को भेजा हुआ है इनको कि ये भूख की बात ना करे, ये आरक्षण की बात ना करे, ये बेरोजगारी की बात ना करे, ये कत्लेआम की बात ना करे, ये ह्यूमन इंडेक्स की बात ना करे, और ये बात करे तो इनके जो उल्टे सीधी बात है उनकी बात करे। लेकिन सर कंगना सच्चाई के लिए तो जान जाती, कई बार तो उन्होंने बॉलीवुड के भी खुलासे किए हैं कि फिल्म पाने के लिए क्या क्या ना करना पड़ता है हीरोनों। देखिए, बॉलीवुड की जो बात है जो ये करते हैं, हमारे लिए ये एक यथार्थ की दुनिया है। आपने जो खुलासे किए होंगे अपने प्रोफेशन के किए होंगे, और उसी प्रोफेशन के जो टूल्स हैं उन्हें अपना कर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। जबकि सच्चाई यह है कि अगर तुम्हें खुलासा करना है तो तुम इस बात का खुलासा करो कि भारत के अंदर रिजर्वेशन के नाम पर कैसे तुम वंचितों का हक मार रहे हो, तो खुलासा होगा। अगर तुम्हें खुलासा करना है तो इस बात का करो कि पूरी दुनिया के अंदर आपका ह्यूमन इंडेक्स कौन से लेवल पर है। अगर खुलासा करना है तो इस प्रकार करिए कि क्यों आज क्यों विश्व के अंदर जो है भारत की इकोनॉमी को, और जो जो डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी हुई थी, उसे दुनिया के अंदर बड़ी विफलता के रूप में पढ़ाया जा रहा है, तो इस बात पे भी आप खुलासा करिए। तमाम लोग कह रहे हैं कि जो पद्मश्री मिला है कंगना को वो वापस होना चाहिए, उसे सरकार वापस करे। देखिए, सरकार की जो सरकार की नियत है वो सरकार तो इनके अपने जो लोग हैं उन्हें ही देगी, क्योंकि सरकार को कोई भी वंचित समूह
समूह का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। सरकार को नजर नहीं आते वो लोग जो संविधान को बचाने के लिए लगे हुए हैं, सरकार को नजर नहीं आते वो लोग जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार को नजर नहीं आते वो लोग जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, परंतु सरकार को वो लोग नजर आते हैं जिनकी ये रहनुमाई करते हैं। जिस प्रकार आप इसका नाम ले रहे हो कि वापस लेना चाहिए, अरे पहली बात तो यह है कि इसे देना ही क्यों चाहिए था, वापस लेने की तो बात बहुत दूर की है। जब इसे दिया था तो जब विरोध होना चाहिए था, आज विरोध नहीं होना चाहिए था। तो हमारे लिए सरकार इसको दे या ले उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो सम्मान है वो यह है कि हमारे लोग पीएम और सीएम बने। लेकिन कंगना कोई पहली बार विवादों में नहीं रही है, कई बार विवादों में रही है उनके छज्जे को तोड़ने को लेकर भी। देखिए छज्जे को उसका छज्जा टूट जाए तो खबरें बन जाती हैं, हजारों लाखों लोगों की झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया जाए तो वो कभी खबर नहीं बनती, उसके छज्जे की बात आ जाए तो खबरें बन जाती है, हमारे लोगों का कत्लेआम हो जाए तो वो खबर नहीं बनती। और जब आप कहते हो कि विवादों में नहीं रहती है, उसे विवादों में रखा जाता है, जबकि अगर ये कहीं पूरी दुनिया में दूसरे देशों में होती, कहीं दूसरी जगह होती विवादों में, ये क्योंकि इनके जो मेन स्ट्रीम जो बिकाऊ जो लोग हैं वो करते हैं, जो इनके लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग भूख की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, आरक्षण की बात ना करें, सरकार की बात ना करें, सत्ता परिवर्तन की बात ना करें, ह्यूमन इंडेक्स की बात ना करें, भूख की बात ना करें, वो लोग हैं ये। लेकिन सर सवाल तो यही खड़ा होता, जब कंगना ने ये बयान दिया और जो नीचे लोग बैठे हुए थे कोट पैंट वाले वो तो तालियां बजा रहे थे। देखिए वो बयान इसलिए क्योंकि जब बंदर की डुगडुगी होती है तो बंदरिया सबसे ज्यादा ताली बजाती है। अगर यहाँ बात होगी किसी मेन मुद्दे को लेके तो आप बताइए ना, आप करिए ना आर्ग्यूमेंट किसी चीज पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये इसके बयान की बात है, बयानबाजी को प्रमोट इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्हें पता है कि इनके लोग जो भी बोलेंगे वो बयान होंगे। कई लोग तो खड़े भी हो गए ना कंगना के साथ की सही बात है। नहीं नहीं कोई किस बारे में सही बात है, छज्जे के मामले में सही बात है, आजादी के मामले में तो मैंने क्या कहा, 2014 में अगर आपको आजादी मिली और आपको ये मानते हो कि एक राजनीतिक पार्टी के आने पर आपको सरकार आपको आजादी मिली है, तो अगर वो राजनीतिक पार्टी सरकार में नहीं रही तो क्या आप वापस तालिबान जाओगे? क्या स्वतंत्र सेनानियों ने कोई काम नहीं किया, कोई सही नहीं, नहीं, नहीं यही तो यही अगर बात कोई मुस्लिम बोल देता, कोई शेड्यूल कास्ट बोल देता, शेड्यूल ट्राइब बोल देता तो आज वो सलाखों के पीछे होता। असम के अंदर दुनिया भर का कत्लेआम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां मीडिया बोलती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, वकील बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, परंतु इन लोगों को प्रमोट किया जाता है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जानबूझ के हमारे बीच में द्वेष फैले, वो जो मुद्दे हम जिन मुद्दों की हमें बात करनी है उन मुद्दों पे हम बात ना करें। अब जो इनके जो बयान की बात है, इन बयानों पे मैं बता रहा हूं कि क्रिमिनल ऑफेंस मेड आउट होता है, लेकिन तो क्या कार्रवाई हो सकती है इसको? बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होगी और हो भी सकती है, होगी भी, परंतु हमारे लिए मुद्दे जो हैं इनकी बातों पे ध्यान देना नहीं। जब मैं गाड़ी में बैठ के जाता हूँ तो कुछ जो जानवर है वो चिल्लाते हैं तो हम उनकी जिस प्रकार बात का जवाब नहीं देते, उसी प्रकार बहुजन समाज के लिए जो लड़ाई है वो सत्ता पाने के लिए इन लोगों से मुंह लगने की लड़ाई नहीं है। बीजेपी शांत है इस पूरे मामले में? नहीं, बीजेपी को तो मजा आ रहा है ना, बीजेपी को तो मजा आ रहा है कि अगर मान लो इसे सेक्रीफाइस करने की बात होगी, सुल्ली में चढ़ाने की बात होगी तो कंगना रानावत को चढ़ा देंगे, लेकिन ये बोल तो उन्हीं की भाषा नहीं है, जो उनकी जबान है वो इसके मुंह में है।